नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आम की फसल का मैंगो लीफ हॉपर, जिसको कि आम का भुनगा बोलते हैं। दोस्तों आज के टाइम में अगर आम के पेड़ के पास जाते हो तो उसके तने में बहुत सारे आम के भुनके चपके रहते हैं, और जैसे आप वहाँ से गुजरते हो तुरंत वहाँ से वो उड़ने लगते हैं और जाके अपने चेहरे पे शरीर पे पड़ जाते हैं। और कभी कभी वो क्या होता है कि वो बहुत सारे भुनगे हमारा बहुत सारा नुकसान भी करते हैं, काटने लगते हैं, जिससे शरीर में दर्द भी होता है। तो हम उसके बारे में बताने वाले हैं क्या है उसका लाइफ साइकिल। तो आम के भुनके में मैंगो लीफ हॉपर, जिसको सही नाम है मैंगो लीफ हॉपर, उसी को बोलते हैं आम का भुनगा। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको, सबसे पहले बताएंगे उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसका नाम अमरेटोडस एट काइनोसिनी एट किंसोनी, ये उसका वैज्ञानिक नाम है अमरेटोडस एट किंसोनी, जिसको कि जोडोकोरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको जोडोकोरस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था इसका वैज्ञानिक नाम। उसके बाद आते हैं हम इसका आर्डर क्या है। तो हेमी पटेरा इसका आर्डर है, इसका सब आर्डर जो है होमो पटेरा है, इसकी जो फैमिली है दोस्त जो वो है जैसिडी। तो ये जैसिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसेक्ट होता है मैंगो लीफ हॉपर। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया, ये इंडिया के किसी भी जगह पे पाया जा सकता है, जहाँ पे आम की खेती या बागवानी होती होगी वहाँ पे ये पाया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में क्या होता है, ओनली ऑल मैंगो प्लांट मोनोफैगस, मतलब ये मोनोफैगस प्रकार का कीट होता है, ये एक ही उस पर लाइफ अपनी कंप्लीट कर लेता है, एक ही प्रकार के फल पे अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है, जिसको मोनोफैगस बोलते हैं। मोनोफैगस उसे बोलते हैं जो एक ही चीज़ को खाता है, ये आम में नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको मोनोफैगस बोलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अपीयरेंस, ये दिखता कैसा है। तो 5 मिलीमीटर लंबा होता है, ग्रीन कलर होता है, और पंचभुजाकार का सिर होता है इसका, और येलो मार्क ऊपर दिया रहता है, पीले पीली धारी दी होती हैं, और जो मूवमेंट करता है फुदक फुदक कर पत्ती पर चलते हैं, और लाइट अटैक कर जहाँ पे भी लाइट जलती है ये उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपीयरेंस इसका कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल में हमने देखा कि ये एक निम्फ और एडल्ट, सिर्फ इसकी तीन ही प्रोसेस होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करने वाला कीट होता है, जिसको बोलते हैं मैंगो लीफ हॉपर। ये अंडा से निम्फ, निम्फ से एडल्ट, तीनों एक प्रकार के स्टेज होती है, जिसके लाइफ साइकिल इसमें कंप्लीट हो जाती है। अब आपको बता दें कि ये 200 अंडे देता है, और 200 अंडे 4 से 7 दिन के अंदर निम्फ बन जाते हैं, और निम्फ 3 बार मोल्टिंग करता है, और 3 बार मोल्टिंग करके जो है 8 से 13 दिन के अंदर एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है जो काफ़ी दिन तक रहता है। उसके बाद ये सुसुप्ता अवस्था से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में ये फिर से एक दे देता है, अंडे दे देता है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी लाइफ साइकिल मार्च से लेकर के जुलाई तक चलती रहती है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए, जैसे मई लास्ट चल रहा है, मई लास्ट में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होने लगता है। आप आम के पेड़ के पास जाना, देखना, बहुत सारे भुनगे आपको दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी है, अपीयरेंस कैसा होता है, दिखने में 5 mm लंबा होता है, ग्रीन कलर होता है, कभी कभी ये भूरा कलर भी हो जाता है, पंचभुजाकार का सिर होता है, येलो मार्क उस पे दिया होता है, और ये कूद कूद के फुदक फुदक के चलता है, इस प्रकार आप देख सकते हो। उसके बाद आता है उसी लाइफ को कंप्लीट दिया गया है डिस्क्राइब में, कि मादा पौधों व फूलों की टहनियों में अंडरोपक, जो इसकी फीमेल होती है, ये पौधे की टहनियां जो होती हैं, पौधे की जो टहनियां होती हैं उस पे क्या होता है, ये अंडरोपण करती है।
टहनियों में अंडरोपक के माध्यम से एपिडर्मिस में अंडे देती है, जो पत्ती की वो होती है, धारी होती, एपिडर्मिस होती है, उस पर ये उसको फाड़ करके अंडे उसमें इसकी मादा देती है। ये प्रोसेस होती है कब अंडे देने की, ये मैटिंग करता है फरवरी में मैटिंग करते हैं, और मार्च में अंडा लाइन में दिया जाता है। समझो आप, मार्च में ये अंडे देती है, और अंडे देने के बाद में ये क्या होता है कि धीरे धीरे उसका अंडे से निम्फ बन जाता है, निम्फ से एडल्ट बन जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है डैमेजिंग स्टेज। क्या होती है डैमेजिंग स्टेज में, आपको बता दें कि निम्फ और एडल्ट दोनों ही ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी फसल को, पत्ती को, आम की फसल को। तो निम्फ और एडल्ट जैसे दोनों नुकसान पहुंचाने लगते हैं, हमारे खेत का या बाग का या फल का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। दोनों पौधे के भागों से रस चूसते हैं, इनके द्वारा पौधे के इंडोर सूट्स इनको इनकलरसेंस बड फ्लावर से इन सबसे ये रस चूसने का कार्य करता है। किस किस से रस चूसता है, इंडोर सूट्स होते हैं, इनकलोरसेंस होता है, बड होती है, फूल होता है, इन सबसे रस चूसने का कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि इसका हम रस चूसने के बाद फल की सेटिंग प्रभावित हो जाती है। जो फल का सेटिंग होता है, आकार जो होता है वो प्रभावित होती है, क्योंकि रस चूस लेते हैं। उसके बाद उसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है, जिससे आम जो है उस तरीके से दिखने में अच्छा नहीं, क्वालिटी गिर जाते हैं। सेटिंग प्रभावित होकर छोटे आकार के फल बनते हैं, इनके द्वारा हनी ड्यू का स्राव किया जाता है। हनी ड्यू जैसे ये जहाँ से रस चूसते का आकार करते हैं, चूसने का कार्य करते हैं, वहीं से हनी ड्यू सिक्रेट होता है, जिसको हम लोग लहसी बोलते हैं। लहसी क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, पत्ते से जो है नीचे की ओर टपकने लगता है, पत्ते की क्वालिटी, आम की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। हनी ड्यू का स्राव होता है, जिसके प्रभाव से श्वसन, प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रभावित होते हैं। ये जैसे हनी ड्यू का स्राव होता है, पौधे में श्वसन की प्रोसेस और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस दोनों प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये हनी ड्यू पत्तियों के रंध्र को रूंध देता है, बंद कर देता है, इसलिए ये प्रोसेस दिक्कत करती है। उसके बाद आता है दोस्तों मैनेजमेंट में आता है कल्चरल मेथड्स, मतलब भौतिक विधियां क्या हैं इसको। वृक्ष घने ना रोपे ना ही करें, कटाई छटाई करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि वृक्षों को जब पूरी पूरी हवा और पूरा पूरा प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो इसमें ये प्रोसेस ज़्यादा आती है, दिक्कत करता है। तो इसलिए वृक्षों को घना रोपण ना करें। जो वैज्ञानिक दूरी है 10x10 मीटर की दूरी पर ही आम के पेड़ को लगाना चाहिए, और जैसे समय आए उसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए, इससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है केमिकल का यूज कैसे करते हैं। केमिकल में जैसे हमारी फसलों में बहुत सारा लग जाता है कीट, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फल की क्वालिटी गिरने लगती है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम उसमें केमिकल का यूज कर दें। केमिकल के यूज में दोस्तों आपको बता दें, मेटासिस्टाक्स 50 cc, और मार्शल के नाम से आती 50 cc, एमेडा क्लोप्राइड 50 SL, मेटासिस्टाक्स 1.5 ml, थायमेथोएट 1 ml/L के हिसाब से बाग में स्प्रे कर दिया जाए अगर इनमें से किसी एक भी दवा का, तो हमारा मैंगो लीफ हॉपर कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सीरियस पेस्ट होता है और बहुत ही नुकसान करता है हमारे आम की फसल को। तो दोस्तों हमने आपको पूरी लाइफ साइकिल मैंगो लीफ हॉपर के बारे में बता दिया है, अब उसमें देखना है आपको क्या ये सही है। आप जाके बाग में ट्राई कर सकते हो कि आप जैसे तने के पास जाओगे वहाँ से भुनके जैसे उड़ने लगते हैं, वही है मैंगो लीफ हॉपर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, कैसा लगा वीडियो एक बार अवश्य देखें और
वीडियो को आगे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।